समय कोरोना अपनी चरम सीमा पर है। लगातार बढ़ते केसों से सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। आने वाले समय में कोरोना अपना कैसे रुद्र रूप दिखाएगा, इसको सोचकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यदि बात करें सीएम सिटी करनाल की, तो यहां पर प्रतिदिन केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ते केस नया कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कोविड के कारण मरने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। मौजूदा समय में करनाल में 2800 कोविड के एक्टिव केस हैं, जबकि मरीज होम आइसोलेट है, बाकी मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। कोविड से कैसे बचा जाए और इसे कैसे रोका जाए, इसको लेकर प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। कोविड के मरीजों को शीघ्र उपचार मिल सके, इसके लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 250 बेड को कोविड मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा करनाल आईएमए के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक अस्पतालों के 20% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। आवश्यकता पड़ने पर इन अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ की मदद भी ली जा सकती है। समाचार एक्सप्रेस के साथ बातचीत में सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही उन पर भारी पड़ रही है। जिस तरह से जनवरी माह में कोविड लगभग खत्म हो गया था, तब लोगों ने यह सोच लिया था कि यह खत्म हो गया है, जबकि सरकार लगातार यह कहती हुई आ रही थी कि खतरा अभी टला नहीं है। लोगों की नासमझी का खामियाजा अब सबके सामने है। तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में कोरोना क्या रंग दिखाएगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यदि लोगों ने लापरवाही बरती तो खामियाजा भी भुगतने को तैयार रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पालन करें, ताकि वह अपने साथ साथ अपने परिवार व समाज को भी सुरक्षित रख सके। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदन और आप इस समय देखिए समाचार एक्सप्रेस। में आपको बता दूं कि इस समय मेरे साथ मौजूद हैं करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि करनाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है कोरोना ने कहर बरपा रखा है। कोरोना को लेकर लोगों के अंदर डर व्याप्त हो चुका है, क्योंकि लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस मामले में सीएम सिटी भी पीछे नहीं है। यहाँ अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी लगातार 300 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है शुक्रवार को करनाल में 400 से भी अधिक मामले सामने आए थे। इसके लिए लोगों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और आखिर क्या कारण है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? बच्चों में भी जहाँ तक हमारी जानकारी है, पहले हमें ये बताया गया था कि बच्चों में भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना नहीं होता, लेकिन अब वो भ्रम भी लोगों का दूर होने लगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आने वाले हैं। खास तौर पर देखने में आ रहा है कि स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, वो भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी से प्राप्त करेंगे डॉक्टर योगेश शर्मा से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। नमस्कार डॉक्टर साहब, कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सीएमसीटी भी इसमें अछूता नहीं रहा, पूरे देश के ये हालात है। अगर हम करनाल की बात करें तो इस समय करनाल में कितने एक्टिव केस हैं और एवरेज क्या आ रही है लगातार? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि पिछले कुछ दिनों से केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और करनाल में भी केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो अभी हमारे कल शाम तक जो है 2800 एक्टिव केसेस अभी थे हमारे पास, और जो जिनमें से लगभग 2500 केसेस जो है वो होम आइसोलेशन में है। परंतु बड़ी चिंता का विषय है, जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो अराउंड 14-15% के अराउंड पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत खतरनाक स्थिति है। जो इसलिए हमें पूरी तरह बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें अगर पूरे जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें बिल्कुल अपनाने हैं। घर से बाहर बिना कारण नहीं निकलना है, अगर बहुत ज़रूरी हो निकलना तो नाक और मुंह प्रॉपर ढंग से ढक के निकलना है। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते रहना, हैंड वॉशिंग करते रहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर छोटे से छोटा सिम्टम भी हो, कोई आपको हल्का फुल्का बुखार हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो, तो इमीडिएटली आपने जाके किसी भी सेंटर पे जाके टेस्ट करवाना है। सभी जगह पे फ्री टेस्टिंग हो रही है, बहुत सारे सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल में, लगभग 30 से 35 जगह हैं जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में टेस्टिंग हो रही है, तो कृपया टेस्टिंग अवश्य कराएं। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो वो होम आइसोलेट हो जाए, कोई दिक्कत है, कोमॉर्बिडिटी है,
तो डॉक्टर्स का संपर्क करेंगे तो उनको हम हॉस्पिटलाइज करा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो अपने होम आइसोलेशन हो और दूसरों से अलग कर लें अपने आप को, और अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनके साथ आप शॉप पर जाते हैं, जिनके साथ और वर्कर्स आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनका तुरंत टेस्ट ज़रूर करवाएं। इस चेन को ब्रेक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपके कॉन्टैक्ट की टेस्टिंग और उनको फिर आइसोलेट करना है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हमें अभी यह बताया कि इस समय मौजूदा समय में 2800 एक्टिव केस हैं करनाल के अंदर, जिसमें से 2500 पेशेंट ऐसे हैं जिनको होम आइसोलेट किया गया है। और इन्होंने यह भी कहा कि इस बीमारी को रोकने के लिए, इस बीमारी की चेन को तोड़ने के लिए कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि टेस्टिंग पर जरूर ध्यान दें। अगर किसी में हल्का फुल्का भी सिम्टम्स आता है तो अपनी टेस्टिंग जरूर कराएं। अगर किसी के अंदर पॉजिटिव केस पाया जाता है उसको होम आइसोलेट किया जाता है। सर, पहले ये कहा जाता था कि 60 साल से अधिक उम्र के लिए यह खतरनाक है, लेकिन अब वो भ्रम भी दूर हो गया क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे भी और यूथ भी इसकी उसमें आ रहे हैं, फेवर करूँ यूथ भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सर, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं देखिए, पिछले साल जो एक्टिविटीज़ थी बहुत कम थी और लॉकडाउन भी था, उसके बाद भी पूरी फुल स्विंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसी जनवरी ऑनवर्ड्स ही, जब कोविड के केसेस बिल्कुल डाउन आ चुके थे, तो उसी के बाद स्कूल्स भी बड़े खुले हैं, सोशल गैदरिंग्स भी होनी शुरू हुई है, स्कूल ऑफिसेज भी पूरे स्विंग पे चलने शुरू हुए हैं। तो ये सारी कहीं ना कहीं चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, जो एक्टिव पॉपुलेशन होती है जिसमें स्कूल के बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो एक्टिव जब बाहर निकले हैं, बाहर एक मिक्सिंग हुई है और उसमें कहीं ना कहीं संक्रमण हुआ है, तो नेचुरली उन सभी में केसेस में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा पाई गई है। देखिए, इनका ये कहना है कि जैसे जैसे एक्टिविटीज़ बढ़ी थी वैसे वैसे लोगों की गैदरिंग बढ़ी थी और उसी हिसाब से संक्रमण बढ़ गया। अब ये हाल पूरे देश का है। अगर हम भारत की बात करें तो देश भर में रोजाना, अगर हम कल की बात करें, परसों की बात करें, तो 2 लाख से ऊपर केस आए थे। सर, अगर हम करनाल की बात करते हैं, करनाल में कितने ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको टोटली कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है? देखिए, अभी ऐसी हमारे पास कोई इस तरह की स्थिति नहीं है कि हम पूरे हॉस्पिटल को कोविड डिक्लेयर कर दें, लेकिन हाँ, लोगों की सुविधा के लिए अभी हमने 250 बेड्स कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित किए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए। इसके अतिरिक्त लगभग 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें पार्क हॉस्पिटल है, अमृतधारा हॉस्पिटल है, सिग्नस हॉस्पिटल है, महावीर दल हॉस्पिटल है, विर्क हॉस्पिटल है, ये जो मल्टी स्पेशलिटी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी बेड्स जो हैं वो सुरक्षित किए गए हैं, जिनमें कोविड पेशेंट को एडमिट किया जा रहा है प्राइवेट तौर पे। इसके अतिरिक्त आईएमए के साथ हमने कल भी एक मंथना मीटिंग की है माननीय उपाध्यक्ष जो अपना उपायुक्त के नेतृत्व में, कि और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी हम 20% बेड्स जो हैं वो कोविड के लिए आरक्षित करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 250 बेड्स को कोविड पेशेंट के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसके अलावा करनाल के कई 6 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का नाम भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जिनमें कोविड पेशेंट की देखरेख की जा सकती है। इसके अलावा कल आईएमए की मीटिंग थी जिसमें करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव भी मौजूद रहे थे, उनके द्वारा यह डिसीजन लिया गया है कि वो करनाल के सभी हॉस्पिटल में 20% रिजर्व पेशेंट जो 20% जो बेड हैं वो कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व रखेंगे। सर, अगर आपका बात की जाए डेथ रेशो की, तो मौजूदा समय में करनाल में डेथ रेशो कितनी आ रही है? नहीं, अभी हमारा डेथ रेट जो है अराउंड 1.08 के आसपास है, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ रही हैं, तो तभी इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो 60 ईयर्स एंड अबव पॉपुलेशन है, प्लस जो जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या अन्य किसी बीमारी के साथ ग्रसित है, उनमें ये और भी घातक हो जाती है। तो इसलिए सभी को ये पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम कई बार पढ़ते हैं, कमेंट्स में भी आता है कि ये कोरोना नहीं है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये इस समय इस तरह की बातें करना ना केवल अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपने सिटी को उसको खतरे में डालने की बात है। हम सबका ये इस टाइम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चेन को तोड़ने के लिए जो अपने से बन पाता है वो हम करें। अगर हम सभी मास्क भी पहन लें तो बहुत हद तक हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, इनका ये कहना है कि जो भी व्यक्ति इनके सिम्टम्स को लाइटली ले रहा है वो अपने साथ साथ अपने परिवार को और सोसाइटी को खतरे में डाल रहा है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी अगर सिम्टम पाया जाता है वो तुरंत नज़दीकी केंद्र में जाकर अपना टेस्टिंग करवा सकता है, वो सभी जगह निःशुल्क है। सर, अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 250 बेड को आरक्षित कर दिया गया, तो वहाँ से क्या ओपीडी बंद हो गई है या ओपीडी अभी सुचारू रूप से चालू है?
नहीं, जो नॉन कोविड एक्टिविटीज़, जो नॉन कोविड सर्जरीज हैं, एडमिशंस हैं, वो फिलहाल जो कुछ विभागों की जो है वो सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट की गई हैं। जो ओपीडी है वो पहले की तरह कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ही चल रही है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ओपीडी में क्योंकि थोड़ा रश होता है तो सिविल हॉस्पिटल में थोड़ा कंजेस्टेड स्पेस है। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा रश वहाँ क्रिएट हो, इसलिए ओपीडीज़ को अभी भी सिविल अपना कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की जो ओपीडी कॉम्प्लेक्स है वहीं से चलाया जा रहा है। लेकिन जो नॉन कोविड एमरजेंसीज हैं, नॉन कोविड सर्जरीज हैं, उनको फिलहाल जो है सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोगों के मन में भ्रम था कि हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं। इनका यह कहना है कि नॉन कोविड एक्टिविटीज़ वहाँ पर चालू हैं, एमरजेंसी को छोड़कर वहाँ पर ओपीडी सेवाएं भी वहाँ पर लोगों को चालू की दी जा रही हैं। कईयों के मन में भ्रम था, कईयों ने हमारे से सवाल पूछे थे कि क्या मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया, इसके लिए उनको जीएच में जाना पड़ेगा, लेकिन जीएच में जगह कंजेस्टेड होने की वजह से कुछ ओपीडीज़ को यहाँ पर शिफ्ट करने का प्रावधान है, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी नॉन कोविड एक्टिविटीज़ को वहाँ सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। सर, जिस तरह से प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, रात की 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, आपको क्या लगता है कि उससे कितना कोई इम्पैक्ट पड़ने का संभावना? देखिए, डेफिनेटली इम्पैक्ट तो नाइट जो कर्फ्यू है उसका डेफिनेटली रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये रहता है कि लोगों को इसकी सीरियसनेस का एहसास होता है। जब इस तरह का कोई स्टेप उठाते हैं तो लोग ये मानते हैं कि कोई समथिंग इज़ सीरियस, तो इसको सीरियसनेस को जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके अतिरिक्त जो कैजुअल गैदरिंग्स हो रही थी, जो कैजुअल पार्टीज़ हो रही थी, जो चाहे वो छोटी छोटी 10-15 लोगों की हो, चाहे वो बड़े फंक्शंस हों, उनके जो स्प्रेडर होते हैं, जो उनमें एक भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव है तो वो सबको वहाँ इन्फेक्ट कर रहा था, तो उनके ऊपर बहुत हद तक इसका प्रभाव पड़ता है। और नहीं, वो गैदरिंग्स बंद हो जाती हैं तो जो छोटी छोटी गैदरिंग से ये स्प्रेड हो रहा था उसके ऊपर ज़रूर असर पड़ता है। तो मैं इसके लिए फिर ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये इस समय हमें बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल, अनावश्यक गैदरिंग्स, अनावश्यक पार्टीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और सोशल कोई ऐसी तरह की आपको कोई फंक्शन करना भी पड़ता है, उसकी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग किया जाए और पूरे कोविड नॉर्म्स को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए किया जाए। सर, अगर इन फ्यूचर जिस तरह से अभी फ़िलहाल केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर इन फ्यूचर अगर ऐसी ही स्थिति का सामना हमें करना पड़ता रहा तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगे की क्या रणनीति बनाई गई है ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, और आपने ऐसी कितनी और टीमें बनाई हैं जो लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं? देखिए, जहां तक जागरूकता की सवाल है, आई थिंक अब 1.5 साल से, तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है कि हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तकरीबन अब सब किसी को पता है कि क्या हमने मैयज लेने, सवाल आवश्यकता यही है कि उसकी सीरियसनेस को जाने। तो इसके लिए हमारी टीम्स रेगुलरली, जो हमारे पीएससीज हैं, सीएससीज, आशा वर्कर्स के माध्यम से एक कंपेन हम रेगुलरली, वो तो हम कर ही रहे हैं। अभी जागरूकता हम ज़्यादा लोगों में इसलिए भी ला रहे हैं कि जो 45 ईयर एंड अबव पॉपुलेशन है वो जल्द से जल्द जो है वैक्सीनेट करवाए। उसके लिए भी IEC एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, मीडिया के माध्यम से, केबल के माध्यम से भी ये सारा चीज़ें की जा रही। बट परंतु अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम खुद इस सीरियसनेस को समझें इस बार कि ये अभी सीरियस प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं तो वो बहुत जो है अब सभी चीज़ों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी उनके ऊपर कितना ज़बरदस्त प्रभाव इसके ऊपर आने वाले समय में पड़ सकता है, इससे हम अंदेशा लगा सकते हैं। सर, जहाँ तक अगर हम वैक्सीनेशन की बात की जाए, पहले यह कहा गया था कि जो फ्रंट वेरियंट्स हैं, जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स भाई हैं जो कि इस जुटे हुए थे लोगों की सेवा में, जिनको कोरोना योद्धा भी कहा गया था, कि सबसे पहले वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें ताकि वो सेफ रहें, उनका परिवार सेफ रहे, सोसाइटी सेफ रहे। लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी प्रॉपर अभी तक उनकी भी पूरी संख्या ऐसी नहीं है कि जिनको वैक्सीनेट किया जा सके। लोग इसके पीछे क्या रीज़न है कि वो क्या वॉलंटियर्स के रूप में आगे नहीं आ रहे, या उनको किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है कि अगर जिन्होंने नहीं लगवाई वो अब पहले वो लगवा लें ताकि लोगों तक एक संदेश भी जा सके? नहीं, देखिए, हेल्थ वर्कर्स में जो है अब 90% के अराउंड करनाल में फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं। सेकेंड डोज जो है, क्योंकि इसका टाइमिंग्स चेंज हो गई थी, 6 to 8 weeks होगी, हेल्थ वर्कर्स में लगभग 50% एंड अबव जो है वो सेकेंड डोज भी लग चुकी है।
हाँ कुछ डोज जो है अभी भी कुछ ऐसे हेल्थ वर्कर्स भी हैं, स्पेशली फीमेल्स जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट हैं या किसी अन्य को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, केवल कुछ वो लोग ज़रूर हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे हेल्थ वर्कर्स के कैटेगरी में मेडिकल के स्टूडेंट्स थे जो जिनके एग्ज़ाम इत्यादि चल रहे हैं, तो वो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको अभी वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज लगने वाली है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है हेल्थ वर्कर्स ने लगवा लिए। हाँ, फ्रंट लाइन वर्कर्स में कुछ अभी हेजिटेंसी है, हम बार बार उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ बात कर रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जल्द से जल्द अपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट करवाएं। सर, क्या ये हवा से भी फैलता है? नहीं, देखिए डिफरेंट थ्योरीज हैं, अभी कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से एक जर्नल में ऐसी आया है कि एयरबॉर्न हो सकता है, लेकिन ये कोई अभी WHO की तरफ से इसकी तरह कोई पुष्टि नहीं की गई है। थैंक यू। देखिए, ये थे मेरे साथ करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा। आपको बता दूं कि इनकी छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं, आज शनिवार का दिन है, आज भी अपने कार्यालय में बैठे और अपने कार्य को कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि कोरोना को गंभीरता से ले, कोरोना को हल्के में ना लें, सरकार द्वारा जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए, जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसको पूरी तरह से पालना करें, लोगों की ना समझी उनके लिए भारी पड़ सकती है। इसके अलावा जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, 90% हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेट हो चुके हैं और 50% से अबव को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। हालांकि कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं लगी, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उनके कुछ के अपने जेन्युइन रीजंस हैं जिनकी वजह से उनको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है ताकि उनकी सेहत पर कोई असर ना पड़े। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में स्थिति भयावह ना हो, इसलिए लोगों को जागरूक होना अति आवश्यक है। मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइज का प्रयोग जरूर करें, समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, और संक्रमित व्यक्ति को होम आइसोलेट किया जा रहा है, उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जा रही। एक या दो दिन के बाद हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम उनके घर पर जाकर उनकी सेहत का हालचाल पूछ रही है और उनको जो भी दिक्कतें हैं उनका उपचार करने का प्रयास कर रही है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।